वेलकम टू स्टडी क्लॉक। मैं आशुतोष शर्मा। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो हैं मैं आपको बताऊंगा, जिससे रेलवे में प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों का एनटीपीसी का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सबको आपको समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर निम्न में से किसे दर्शाता है? राइट आंसर इज प्रोटॉन। बात करते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी तत्व के जो न्यूक्लियस यानी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपको सभी पता है कि एटॉमिक जो नंबर है वो 7 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। जो ये नीचे लिखा जाता है यही एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है ये एटॉमिक मास होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1-1 होता है। तो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को जो है हम लोग देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसमें जो तत्व अरेंज किए गए हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर अरेंज किए गए हैं। इसमें कुल टोटल जो है वो 7 जो है वो पीरियड है, इसमें 7 पीरियड यानी आवर्त और 18 ग्रुप हैं टोटल। ये जो आपको इधर से इधर ये दिख रहे हैं ये आपके जो हैं वो ग्रुप हैं, इनकी संख्या है टोटल 18, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है यानी डायमीटर सबसे किसका बड़ा होगा। आपको पता है कि जब हम इस पीरियोडिक टेबल में जब डाउन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्व जो है यानी एलिमेंट उनका साइज बढ़ता जाता है। तो जिस एलिमेंट का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका व्यास भी उतना ज़्यादा होगा, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे बड़ा जो व्यास होगा वो आयोडीन का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज किस में पाया जाता है? निम्न में से पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाता है? राइट आंसर इज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे आप सभी को पता है कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो कण होते हैं उनको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। बात आई इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन में फिर डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये माइनस में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और जो पॉजिट्रॉन है उस पर यही चार्ज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? राइट आंसर इज परमाणु संलयन। अब सभी को पता है कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं या कोई नाभिक जो है वो कई छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो दोनों केस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब कोई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु संलयन कहते हैं। तो इस केस में जो है आप सभी को पता है कि सूर्य पे जो है वो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, जब हाइड्रोजन के कई सारे जो परमाणु हैं वो आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर इज 6। आप सभी को पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी परमाणु की जो बाह्य कक्षा है यानी आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको जो है हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 8। अब इसके अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में इसके कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी यह जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनको आप रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि उनको आप दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते। जैसे एक बार आप दूध से दही अगर बन गया तो आप अगर सोचें कि दही से दूध बन जाएगा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसके साथ बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं यानी फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनको अगर हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित करें लेकिन वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, यानी हम उनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने पानी को खूब गर्म किया या आपने पानी से बर्फ़ बनाई, आप बर्फ़ को फिर से गर्म करेंगे, हीट करेंगे, फिर से पानी बन जाएगा, यानी ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी निष्क्रियकरण, यानी इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक एसिड और एक बेस को अगर मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बन जाता है, और उस सॉल्ट को से जो हमारा जो लवण बनेगा उससे हम कभी भी एसिड और बेस को अलग नहीं कर सकते।